नमस्कार। जब से चार राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आए हैं, तभी से महिला फैक्टर की खूब चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर एनालाइजर तक महिला वोटर्स की जरूरत बता रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान महिलाएं कई योजनाओं और राजनीति के लिए जरूरी रही। चुनाव प्रचार के समय में सभी पार्टियों ने अलग अलग योजनाओं से देश की आधी आबादी यानी महिला वर्ग को लुभाने की कोशिश की, और उन्हीं योजनाओं के दम पर अब भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत हासिल कर चुकी है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी अपने धन्यवाद भाषण में कहा था कि मैं महिलाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनसे किए गए सभी वादे 100% पूरे होंगे। ये मोदी की गारंटी है। देखिए, इसमें कभी किसी तरह का संशय नहीं रहा कि महिला वर्ग को हमेशा से ही वेलफेयर स्कीम्स के लाभार्थी की तरह देखा जाता है। उन्हें इससे कम देखने की बहुत ही कम कोशिश की गई है। आइए जानते हैं कि जहां महिला आरक्षण विधेयक पर भारी जोर दिया गया था, क्या वहां महिलाओं की चुनावी भागीदारी में कोई बढ़ोतरी देखी गई? इस बार कितनी महिला उम्मीदवारों को जीत मिली है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में किसी भी राज्य में 33% महिलाओं को टिकट नहीं दिया था। इस पर डिटेल वीडियो भी क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ऐसे में चारों राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस ने 148 विमेन कैंडिडेट को मैदान में उतारा था। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए। यहां भाजपा ने 155 उम्मीदवारों को जीत मिली है। राजस्थान में भाजपा के टिकट पर सिर्फ 9 महिला ही विधायक बनी है। इनमें से दो का नाम बहुत खास है। पहला नाम है वसुंधरा राजे का, जो झालरा पाटन से जीती है, और दूसरा नाम है दिया कुमारी का, जो विद्याधर नगर से जीती है। दिया कुमारी भाजपा से सांसद भी हैं, जिन्हें 14 दिन में ये तय करना है कि वो एमपी रहेंगी या विधायक। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों ने ही 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राज्य का सबसे खास चेहरा होने के बावजूद चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया था, लेकिन इसका असर उनकी सीट पर नहीं पड़ा। वहीं सांसद दिया कुमारी बीजेपी की पैराशूट कैंडिडेट थी, जिन्हें पार्टी ने विद्याधर नगर से उतारा था, जो भाजपा नेता नरपत सिंह का एक चुनावी क्षेत्र माना जाता है। लेकिन दिया कुमारी ने वहां मजबूती से चुनाव लड़ा और जीता भी। राजस्थान में कांग्रेस हार गई, लेकिन 69 जीते हुए कैंडिडेट में से 9 महिला नेता है। कांग्रेस के लिए ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि 2018 में महिला दावेदार 13% थी, जो कि 2023 में 14% हो गई। दो महिला निर्दलीय कैंडिडेट थी जो कि अपनी सीटों पर जीत चुकी हैं। राजस्थान के इस बार के सदन में सिर्फ 10% महिलाएं ही नजर आएंगी। अगर मैं पिछले सदन की बात करूं तो ये संख्या 12% थी। यानी इस बार राजस्थान में कुल 20 महिलाओं को विधायक बनाया गया है। 2018 में 24 महिलाओं को विधायक बनाया गया था। तब उन 24 में से 12 विधायक कांग्रेस से थी और 10 भाजपा से। मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में से 27 महिलाएं हैं। विमेन वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा ने लाडली बहना योजना शुरू की थी। यहां भाजपा ने महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम पर जोर तो दिया, लेकिन चुनावी मैदान में इस तरह की पहल नजर नहीं आई। एमपी में भाजपा के 163 विधायकों में से 21 महिलाएं हैं। इसमें हट्टा से उमा देवी लालचंद खटीक और मंडला से संपतिया शामिल हैं। दोनों ने 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस के जीते हुए 65 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 महिलाएं ही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2,534 कैंडिडेट मैदान में थे और उनमें से सिर्फ 253 विमेन कैंडिडेट थी। 2018 से अगर कंपेयर करें तो इस बार ये संख्या ज्यादा थी। नब्बे विधायकों में से 19 महिलाएं हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो जीतने वाले 54 कैंडिडेट्स में से 9 महिलाएं हैं। पर यहां कांग्रेस की 11 विमेन कैंडिडेट ने जीत हासिल की, और ये आंकड़ा कांग्रेस के 35 जीते हुए उम्मीदवारों में से लगभग एक तिहाई है। पहले यहां सदन में 18% विधायक महिलाएं थी, पर इस बार कुल विधायकों में 21% महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पहले चुनाव के बाद से ही महिला उम्मीदवारों और विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। 2003 में 5 महिलाओं के निर्वाचित होने से लेकर 2018 में 16 महिलाओं के निर्वाचित होने तक
राज्य में विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। यानी छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी सभी राज्यों में अभी महिलाओं की भागीदारी का होना बाकी है। इसलिए 2024 के चुनावों से पहले हर एक पार्टियों को इस बारे में ध्यान देना जरूरी है कि महिलाओं को सिर्फ वोटर्स के तौर पर ही ना देखा जाए, बल्कि विधायकों के तौर पर भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।